दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विल्डरनेस डेज के इस एपिसोड में। दोस्तों हमने आपको टाइगर्स की बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको बिल्कुल एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे, एक अद्भुत टाइगर की। जी हाँ, वो टाइगर जिसने अपने जंगल वाले घर को छोड़कर लखनऊ से केवल 19 मील या किलोमीटर दूर एक गाँव में रहना शुरू किया। जी हाँ, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये एक आम टाइगर जैसा बर्ताव बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर अगर सरसरी नजर डालें तो शायद ही आपको रहमान खेड़ा इलाका नजर आए। लखनऊ से सटा ये एक छोटा सा गांव है। इसकी तारीफ सिर्फ इतनी है कि यहां सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जिस पर गांव के लोगों को बहुत फख्र है। लेकिन जनवरी 2012 की कड़कड़ाती ठंड की एक सुबह रहमान खेड़ा और हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट अचानक सुर्खियों में आ गए। एक टाइगर ने इस गांव में डेरा डाल दिया था। टाइगर बहुत आराम से इंसानी बस्तियों में आकर नहीं रहती, और वो भी लखनऊ जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं, जो कि किसी राजनीतिक जंगल से कम नहीं है और जहां आबादी भी बहुत ज्यादा है। मशहूर शिकारी और वन्य प्रेमी जिम कॉर्बेट टाइगर को एक परफेक्ट जेंटलमैन कहती थी। इस टाइगर ने भी एक जेंटलमैन जैसा ही व्यवहार किया था। इस इलाके में टाइगर की खबर मिलने तक इसने किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया था और किसी तरह की दहशत फैलाने की भी कोशिश नहीं की थी। उधर रहमान खेड़ा और आसपास के गांव भी इस टाइगर को लेकर डरे नहीं, बल्कि उन्हें इस टाइगर के इलाके में रहने पर कोई खास परेशानी नहीं थी। फिलहाल हमने देखा तो है नहीं इसको आज तक, और ये बता रहे हैं मीडिया वाले लोग और ये वन विभाग वाले बता रहे हैं सब कुछ इसके अंदर है, गांव वाले ने किसी नहीं देखा आज तक। शुरुआत में इलाके में टाइगर होने की बात एक कहानी लगती थी, लेकिन 18 जनवरी की सुबह आखिरकार गांव वाले ने उसे देखी। उससे एक रात पहले लोगों ने गांव के बाहर उसके दहाड़ने की आवाजें भी सुनी। लगभग एक घंटे पहले अभी गांव वालों ने और हमने भी दहाड़ सुनी है, दहाड़ते हुए भी सुना गया है। ये गांव के करीब में एक थोड़ी दूर पे जंगल है ना, तो हम लोग थोड़ा बाहर थे और उसी समय जो है शेर की दहाड़ सुनाई दी, और दहाड़ सुनते ही वहाँ के बंदर और स्यार बाकी अन्य जीव जो है इधर उधर दौड़ने लगे। दो बार दहाड़ सुनाई दी। दहशत बहुत बढ़ी हुई है आज, करीब 8-10 दिन से बढ़ी हुई है। अब तो और ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो घर से निकलना भी बच्चों का और औरतों का, पर लेटरिन पैखाना वगैरह भी अब परेशानी होना शुरू हो जाएगी। और ये सब देख के सबने सरियों ने 3-4 गाँव का मसला है सबने आँखों से देखा। देखने के बाद में अब कहाँ पे औरतें आदमी तो नहीं निकलेंगे। अभी टाइगर देखा हम लोगों ने, मालूम हुआ कि टाइगर आया हुआ है, तो उसके बाद बाइक उठा के मोटरसाइकिल से यहाँ पे आए। उसके बाद में रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, यहाँ पे हम लोग सब साथ ही में थे पूरी तरीके से। करीब करीब 10-20 लोगों ने, 50 लोगों ने देखा। लोगों
ये टाइगर बेहद समझदार था। खोजे जाने से पहले ये हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में छिपा रहता था। वहां हजारों की तादाद में आम के पेड़ थे, झाड़ियां थी और घास के मैदान भी थे, जो कि टाइगर के लिए एकदम नेचुरल हैबिटेट जैसा था। रात होते ही वो वहां से निकलकर रहमान खेड़ा और आसपास के गांव में खाने की तलाश में जाता था। उसके पैरों के निशान खेतों में देखे जा सकते थे, जिनसे पता लगा कि ये इलाके में अकेला ही है। इस बीच उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। उसने इस टाइगर को पकड़ने का फैसला ले लिया। हालांकि टाइगर ने किसी इंसान को नहीं मारा था, लेकिन अब खतरा और मोल नहीं लिया जा सकता था। टाइगर के आने से जो है गांव के लोगों में थोड़ा सा पैनिक तो है, लेकिन जो टाइगर की एक्टिविटी रही है अब तक इससे एक महीने के भीतर, उसने जो है किसी भी मवी जो है ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ट्रैंकुलाइज करके उसको ट्रैप करके और रेडियो कॉलरिंग करके इसको जो है पुनः लखीमपुर खीरी के जंगलों में इसको छोड़ दिया जाए। और अब दोस्तों हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको सुनाना चाहते हैं इस टाइगर की बाकी कहानी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टाइगर को पकड़ने के लिए इस तरह के ट्रैप्स हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में 3 जगह लगा दी। और टाइगर को ललचाने के लिए बकरियों को वहां बांध दिया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सीसीटीवी की तस्वीरों से पता चला कि टाइगर ने सभी बकरियों को मारकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेहमान नवाजी का खूब मजा लिया, लेकिन वो पिंजरों के पास नहीं गया। अब भला कौन कह सकता है कि टाइगर चालाक नहीं हो। सवाल ये था कि आखिर टाइगर आया कहां से। तो ऐसे में दुधवा नेशनल पार्क या फिर पीलीभीत के जंगल जहन में आते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि आखिर इसने रहमान खेड़ा को ही क्यों चुना। कुछ अधिकारियों का मानना है कि इस टाइगर को किसी ताकतवर टाइगर ने इसके इलाके से खदेड़ दिया होगा और इसने रहमान खेड़ा को अपना नया इलाका बनाया होगा। वजह चाहे जो हो, लेकिन एक टाइगर इलाके में है और वो लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ नहीं आ रहा। परेशान ऑफिसर्स ने देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक टीम बुलवाई। वो एक ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ वहां पहुंची, लेकिन जैसे टाइगर को इस बात की भनक थी और वो निशाने पर थी। जहां एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हताश था, वहीं रहमान खेड़ा से कुछ दूर इस जगह लोग हर रोज की तरह इकट्ठा होते थे।
और ना ही मंदिर जाने वाले भक्तों को टाइगर की मौजूदगी से कोई परेशानी थी, ना ही पिंजरे काम आए और ना ही ट्रैंक्विलाइजर गन। तो ऐसे में क्या किया जाए? हाथी बुलाया जाए। और लीजिए, दुदुआ से हाथी भी आ गया जो कि टाइगर पर नजर रखेगा और हो सका तो उसे बाहर लाने में मदद भी करेगा। लगता है कि टाइगर बहादुर इस ट्रेन्ड एलिफेंट से कहीं ज्यादा समझदार है। इस बीच रहमान खेड़ा में जिंदगी ज्यों के त्यों चल रही थी। तो दोस्तों, हर अच्छी चीज़ का, हर अच्छी कहानी का अंत तो एक ना एक दिन आ ही जाता है। यही हुआ रहमान खेड़ा के उस बहादुर टाइगर के साथ भी। एक दिन उसको एक ऐसा झटका लगा, एक ऐसा झटका जिसके लिए वो तैयार बिल्कुल नहीं था। अप्रैल 2012 तक ये टाइगर यहाँ का आम नागरिक बन गया था। और फिर अचानक एक दिन ये पकड़ा गया, ठीक उसी आसानी से जैसे इलाके में घुस आया था। पूरे इलाके में खबर फैल गई, लेकिन लोगों को इस पर बेहद हैरानी हुई। रहमान खेड़ा के लोगों को इस टाइगर की आदत सी हो गई थी और इसके पकड़े जाने पर ये लोग खुशी भी जाहिर नहीं कर पा रहे थे। इस चालाक टाइगर को दरअसल आसान शिकार की आदत पड़ गई थी। अप्रैल को यह आखिरकार लालच में आ ही गया और पिंजरे में मौजूद शिकार के चक्कर में फंस गया। देखने में यह जरूर आसान लगता है, लेकिन इस टाइगर को पकड़ने में फॉरेस्ट स्टाफ और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को पूरे 100 दिन लग गए। और इसका श्रेय जाता है लखनऊ से आए टाइगर एक्सपर्ट वाजिद अली को, जिनकी रणनीति की वजह से टाइगर पकड़ा गया। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि अब इस टाइगर को कहां छोड़ा जाए। एक्चुअली द एनिमल लिविंग इन द एरिया व्हिच इज नॉट द टाइगर एरिया
your habitat and surrounded by full of human populations. So there are the chances that animal gay may come in contact or accident may be with the man or animals. If it come in contact or accidentally, maybe accidentally with the animal, or if may human being, it may cause damage to human being, as well as this animal may get hurt or damaged by the human. So in interest of this animal, as well as in the interest of the population, we have decided to rescue this animal from the strayed area to the area where it can live in a natural environment, because it was both important for the human being, as one life of human is precious at the same time. Every tiger in this world is a precious. So with the effort of our team, it was tranquilized nearly at 6 o'clock and started journey after 10 o'clock, just here at 7 o'clock. क्योंकि इसे इंसानों के बीच रहने की आदत पड़ गई है, तो ऐसे में इसे चिड़ियाघर में रखा जाए या फिर जंगल में छोड़ा जाए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पर काफी चर्चा किया और ये फैसला लिया कि इसे एक बार फिर जंगल में ही छोड़ा जाए। सत्ताईस अप्रैल की सुबह एक ट्रक इस टाइगर को लेकर दुधवा नेशनल पार्क पहुंचा। दुधवा लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स का मानना है कि दुधवा में टाइगर्स की कोई कमी नहीं है और ये एक नई जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता है। नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर शैलेश प्रसाद का मानना है कि ये टाइगर यहीं से रहमान खेड़ा गया था। हुआ ये कि जब मैं शुरू में आया तो वो उस टाइगर की आदत थी, वो रात में ही हंट करता था, 2 बजे तक निकल जाता था। तो हमने प्लान किया कि उसको दिन में, मतलब सुबह शिकार करना सिखाएं कि हम उसको ट्रंकलाइज कर सकें, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाया। वो रात में आता, दिन सुबह आया ही नहीं, और 2-3 दिन हो गए वेट किया मगर वो टाइगर मिला नहीं। तो हम लोगों ने एक सूटेबल, जिस पैच में वो डेली आता था, जिसका एक पैच था जहाँ से वो अपना अपने लिए खाना ढूंढता हुआ निकलता था, तो वहाँ उसके बगल में एक शीशम का पैच था, उसका हम लोगों ने एक हफ्ता कम से कम पानी लगाया। पानी लगाने के बाद उसमें गड्ढे लगाए, नान लगाई भैंस की, जिसमें भैंस पानी पी लिए 2 जगह, कि वो पानी पिए, खाना खाए, पानी पिए और थोड़ा आराम करे, ठंडा मिल जाएगा उसको। पहले दिन वो आया नहीं, और दूसरे दिन रात में उसने करीब 9 बजे किल किया, और सुबह आके उसने 15-20 किलो मीट खाया, और दूसरे दिन हम लोग उसको जब काम करने गए तो हमें मिला नहीं। फिर हमने सोचा कि इस बेट को हम लोग छुएंगे नहीं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम लोग ट्रैक लेंगे तो हमें उसमें मिल गया। जिस प्लान से हम लोग चल रहे थे कि तू दो तरफ वाइट पर्दा लगा दो और एक तरफ कवर लगा दो, वाइट पर्दे से ये होता है कि वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैरियर है, जब वो ऊपर चढ़ता है तो रोशनी से दूर भागता है और थोड़ा सा अंधेरे की तरफ चलता है। तो वो प्लान हमारा काम कर गया, वो उसी में जाके अंदर बैठ गया, और हमारे टीम ने मिल के उसको घेर के ट्रंकलाइज कर लिया। और वो आइडिया हमारा बहुत अच्छा निकला कि एक बड़ी बेट टाइगर को रोक के रखती है और टाइगर उसके लिए लड़ता है, और उसने वैसा ही किया जैसा एक टाइगर बिहेव करता है। Thank you.
मजेदार घटना ये रही कि जब ट्रक से इसे जंगल लाया गया तो ये ट्रक से काफी देर तक नीचे नहीं उतरा, पूरे 40 मिनट ये जंगल को घूरता ही रहा। ऐसा लग रहा था ये कह रहा हो कि मुझे दोबारा रहमान खेड़ा ही ले चलो। बहरहाल जो भी हो, फिर ये ट्रक से नीचे उतर ही, लेकिन ट्रैंक्विलाइजेशन का असर अभी भी उस पर था। लगभग 2 घंटे तक वो थोड़ी दूर तक जाता और दोबारा ट्रक के पास लौटा। और आखिरकार इसने फैसला ले ही लिया। वो जंगल लौट गया क्योंकि वो जानता था कि इंसानी दुनिया उसके लिए नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि मीडिया में इस टाइगर को रहमान खेड़ा के नाम से खूब पब्लिसिटी मिली, या शायद उसके मन में ये इच्छा थी, ये तमन्ना थी, ये उम्मीद थी कि जंगल में उसे कोई प्रेमी ले जाए। तो दोस्तों, रहमान खेड़ा की इस बहादुर टाइगर को जंगलात के लोगों ने एक नया नाम दिया। जी हाँ, रहमान। और ये बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि इस वक्त रहमान दुदुआ नेशनल पार्क में मजे से है। उसने अपनी नई टेरिटरी कायम की है और शायद कोई नया रोमांस भी कर रहा होगा। तो इस खुशी की बात के साथ हम इजाजत चाहेंगे, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते विल्डरनेस डेज के एक नए एपिसोड में।